पर प्रमुख बात जबलपुर शहर की, जिन लोगों ने मुझे प्रथम सेवक बनाया उनके साथ मैं खरा उतरूं, उनके सोच पे खरा उतरूं, जो मैंने भाव व्यक्त किए थे उसको पूर्ण कर सकूं। तो क्या आपको मदद नहीं मिलती थी सरकार में, बीजेपी की सरकार में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर और तेज गति से काम करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता। कांग्रेस की तरफ से आपको रोका गया इधर आने के लिए अभी किसी से? कोई कभी किसी ने नहीं रोका, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, उसमें रोकने का विषय नहीं। जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू भैया आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसा क्या कारण है कि भाजपा में आपको आना पड़ा? मैंने बताया आपको कि एक तो हाथ हुआ था मैं जी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठान में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ना जाना, और प्रमुख बात जबलपुर शहर की, जिन लोगों ने मुझे प्रथम सेवक बनाया उनके साथ मैं खरा उतरूं, उनके सोच पे खरा उतरूं, जो मैंने भाव व्यक्त किए थे उसको पूर्ण कर सकूं, उसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार की आवश्यकता थी और वो सरकार आज। तो क्या आपको मदद नहीं मिलती थी सरकार में, बीजेपी की सरकार में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर और तेज गति से काम करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता। कांग्रेस की तरफ से आपको रोका गया इधर आने के लिए अभी किसी से? कोई कभी किसी ने नहीं रोका, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, उसमें रोकने का विषय नहीं। कांग्रेस कह रही कि आप जो है पहले से बीजेपी के संपर्क में थे, कांग्रेस कह रही है? कभी नहीं, कभी संपर्क में नहीं था। तो ये थे महापौर और कह रहे हैं कि जबलपुर के विकास के लिए वो भाजपा में शामिल हुए हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो आहत थे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेताओं के नहीं जाने से। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।